जब मैं नहीं था तो मेरी उम्र ही 28 साल है अभी। तो मैं सुनता हुआ आता हूँ कि भाई अपने बड़ों से कि अपने कस्टमरों से कि यार वहाँ लगाते थे और वहाँ बहुत रश था, तो 5 किलो से स्टार्ट किया, नासिर भाई यहाँ आ गए और बहुत अच्छा लगा हमारे को, लोग तारीफ करते हैं माशाल्लाह। हैदराबाद। तो आज हमने सोचा कि नासिर बारबेक्यू एंड बिरयानी सेंटर पे आते हैं और यहाँ के डिफरेंट फूड आइटम्स को भी ट्राई करते हैं। आज मेरे साथ ब्लॉग में ज्वाइन किया है बिलाल साहब एंड मिस्टर फराज साहब, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। तो डियर व्यूअर्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स एक्सप्लोर द डिफरेंट फूड आइटम्स विच आर अवेलेबल एट द नासिर बारबेक्यू एंड द पकवान सेंटर। So now dear viewers, you can see this is the main sitting area available at the Nasir Barbecue and the Pakwan Center. So आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जेन सिटिंग एरिया ये इन्होंने बनाया हुआ है। So now dear viewers, you can see behind me, this is the family sitting area available at the Nasir Barbecue and the Biryani Center. तो आज हम नासिर बिरयानी एंड बारबेक्यू पर खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट फूड आइटम्स जरूर ट्राई करेंगे। तो फजले रब्बी साहब हमारे साथ हैं, ये नासिर बिरयानी एंड बारबेक्यू सेंटर के मुलाजिम है ना जी। तो सर आप हमें बताएं कि ये कौन कौन सी बिरयानी है यहाँ सर? बीफ है, चिकन है, छोला है, गुलत्ती है, पाया है, निहारी है, कोरमा है, टिक्के, फास्ट फूड है, सब कुछ। नाजरीन आप देख सकते हैं कि भाई ये बताओ ये कौन सी बिरयानी की देखे, चिकन बिरयानी, ये चिकन बिरयानी है, वो बीफ बिरयानी है, और ये छोला बिरयानी है। भाई जान छोला बिरयानी निकाल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो फजले रब्बी साहब, बिरयानी की खुशबू तो माशाल्लाह जबरदस्त आ रही है, खिलाएंगे ना हमें बिरयानी? हाँ बेटे, आप मैं आपको खिलाएंगे। कासिमाबाद से सिर्फ और सिर्फ बिरयानी और यहाँ पर बारबेक्यू खाने के लिए आए हैं, तो खिदमत अच्छी कीजिएगा जी सर। नाजरीन आप देख सकते हैं ये फजले रब्बी साहब है, आप लोग भी यहाँ पर आए तो जरूर आपकी भी अच्छी खिदमत करेंगे। थैंक यू। मेरे सामने ये दो देगे हैं, तो भाईजान से पूछते हैं कि इन दो देगो में क्या है सर? इस देग में क्या है? इसमें बड़े का पाया सर। इसमें नाजरीन बड़े के पाए हैं, ठीक है, और उस देग में सर निहारी है बड़े की। नाज़रीन इसमें बड़े की निहारी है। सो मोहम्मद नाज़िम साहब आप बताएं कि इन देगों में क्या क्या अवेलेबल है? नाज़रीन बीफ कोरमा है। अच्छा नाज़रीन इसमें जो है ये बीफ कोरमा है, ठीक है। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये चिकन कोरमा है। ये बताएं इस स्टेक में क्या है? चिकन हलीम है। अच्छा नाजरीन ये जो है चिकन हलीम है। मेरे हिसाब से माशाल्लाह बहुत सारे फूड आइटम्स जो है वो नासिर बारबेक्यू एंड बिरयानी सेंटर पे अवेलेबल है। कोरमा है, बिरयानी है, चिकन हलीम है, तो हम भाई खाएंगे और आपको भी इसकी टेस्ट के बारे में जरूर बताएंगे। स्टे कनेक्टेड विद अस। तो नाजरीन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइव बारबेक्यू नासिर बिरयानी एंड बारबेक्यू सेंटर पर बन रहा है। तो फराज साहब खुशबू तो बड़ी जबरदस्त सर, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और मुझे लग रहा है कि बहुत मजा आएगा खा के, है ना? मजा आएगा, तो मलाई बूटी वगैरह भी ट्राई जरूर करें इंशाल्लाह। नाजरीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या मलाई बूटी है भाईजान? अच्छा स्पाइसी बूटी है, और ये स्पाइसी बूटी है, मलाई बूटी उस तरफ है। नाजरीन ये मलाई बूटी है, आप देख सकते हैं।
सो नाउ डियर व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रेश चपाती भाईजान बना रहे हैं। भाईजान आपका नाम? रमजान। So now dear viewers, you can see behind me, Nasir Barbecue and Biryani Center वालों ने open space में भी जो है sitting area बनाया हुआ है। यहाँ पर families भी बैठ सकती हैं, यहाँ पर gents भी बैठ सकते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत area इन्होंने बनाया हुआ है। सो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि खाना हमने ऑर्डर दिया था वो आ चुका है। तो ये छोला बिरयानी है, चिकन बिरयानी है, मलाई बोटी है और कोरमा है, ठीक है। और अब हम टेस्ट करते हैं यहाँ के डिफरेंट फूड आइटम्स नासिर बिरयानी एंड द बारबेक्यू सेंटर के, और आपको जो है उनके टेस्ट के बारे में बताते हैं। मलाई बोटी और कोरमे का टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। बिरयानी छोले की है ना? हाँ, छोले वाली तो अच्छी। अच्छा फराज, आप बताएँ यहाँ पर चिकन बिरयानी भी काफ़ी टेस्ट अच्छा है इसका, और छोला बिरयानी भी माशाल्लाह फैंटास्टिक। नाजरीन, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग नासिर बिरयानी एंड द बारबेक्यू सेंटर पर आएं और यहां के डिफरेंट फूड आइटम्स को भी ट्राई करें। बिरयानी है, कोरमा है, मलाई बोटी हम यहां पे खा रहे हैं, सो आप लोग भी इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू। सो नाउ डियर व्यूअर्स, द ओनर ऑफ द नासिर बिरयानी एंड द बारबेक्यू सेंटर इज विद अस। सर, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सर। आपका गुड नेम सर? और मेरा नाम यासिर है। यासिर कुरैशी साहब जो है ये ओनर है यहाँ पर नासिर बिरयानी एंड द बारबेक्यू सेंटर के। यासिर साहब, आप नासिर बिरयानी एंड जो बारबेक्यू सेंटर जो आपका यहाँ पर सेटअप है, इसके बारे में नाजरीन को ब्रीफ करें, ये जर्नी आपकी स्टार्ट कैसे हुई? सर, ये मेरा वालिद का नाम है नासिर, ये उनका ही काम था नासिर बिरयानी, ठीक है। आज से 35 साल से स्टार्ट लिया था, ठीक है। मेरी उम्र तो खैर 28 साल है, लेकिन 35 साल से ये काम करते हुआ रहे हैं। एक ठिया लिया था उन्होंने ठेले पे, एक छोटा सा 5 किलो का भगोने से स्टार्ट लिया था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी है जो इस मकाम पे पहुँचे हैं माशाल्लाह। तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि हमारे ब्लॉग में कि यहाँ पर हमने डिफरेंट फूड आइटम्स ट्राई किए और खाना बहुत ज़बरदस्त था। कोरमा भी था हम लोगों ने खाया और डिफरेंट बिरयानी भी हमने खाई। तो सर, टेस्ट तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, आपने टेस्ट और क्वालिटी को बड़ा मेंटेन किया हुआ है। रेस्टोरेंट की जो ब्यूटी होती है वो उसके खानों से होती है। अगर खाने टेस्टी हैं तो कस्टमर आएँगे, अगर खाने टेस्टी नहीं होंगे तो कस्टमर नहीं आएँगे। सो नाजरीन, हम लोगों ने डिनर कर लिया, अब चाय पीने का इरादा हुआ। तो बिलाल साहब, यहाँ पर भी चाय अवेलेबल है, लेकिन हमने सोचा कि यहाँ पर हमने खाना खाया है नासिर बारबेक्यू एंड पकवान सेंटर पे, खाना बड़ा लजीज था माशाल्लाह। आप लोग भी आएँ और यहाँ के फूड आइटम्स को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर लतीफ़ाबाद में, आप यहाँ के रिहायशी हैं, आप बताएं यहाँ पर कौन सा ऐसा टी स्पॉट मशहूर है? सर, चाय के लिए एक तो मशहूर मरदान पे हमने पी हुई है, ठीक है, उसके अलावा कोयटा प्याला पे भी हमने पी है। तो ये करते हैं कि एक 9:45 पे जो है चाय केतली चलते हैं, ठीक है। चाय केतली, अच्छा वो अच्छा है, उसके अलावा चाय नुक्कड़, लेकिन केतली मेरे ख्याल बेस्ट है। चले आज एक काम करते हैं नाजरीन, हम लोग चाय केतली पर जो है वो चाय पीते हैं। फराज चलें फिर चाय केतली पे, ठीक है, फिर चाय केतली पे चलते हैं, वहाँ पर चाय पीते हैं, चाय का रिव्यू भी देते हैं, ठीक है। स्टे कनेक्टेड विद अस। सो नाउ डियर व्यूअर्स, अब हम जो है चाय केतली की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, खाना हम लोगों ने जो है नासिर बिरयानी एंड बारबेक्यू पे खा लिया था। तो हम चल रहे हैं चाय केतली पे और वहाँ पर भी जो है आपको विजिट करवाते हैं चाय केतली का। So finally dear viewers, you can see behind me, we have reached at the चाय केतली। तो फराज चाय केतली पे आए हैं, बिलाल साहब,
तो चाय केटली की चाय को भी जरूर यहाँ पर एंजॉय करते हैं। तो चले फराज अंदर चाय एंजॉय करते हैं, ठीक है। So now dear viewers, you can see behind me, this is the male sitting area available at the Chai Ketli. So dear viewers, this was the vlog related to the food and the entertainment content, जिसमें हम लोगों ने नासिर बिरयानी एंड द बारबेक्यू सेंटर को विजिट किया जो लतीफाबाद नंबर 8 नंबर पे लोकेटेड है। तो बिलाल, वहाँ पर हमने डिफरेंट फूड आइटम्स ट्राई किए एंड माशाल्लाह वहाँ का जो टेस्ट था डिफरेंट फूड आइटम्स का बड़ा ज़बरदस्त था। आप भी बताएं थोड़ा सा। बिल्कुल, वहाँ कौरमा अच्छा था और बिरयानी अच्छी थी, खास तौर पर मलाई बोटी जो थी उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा था। बाकी उसके अलावा डिफरेंट जो है उसमें वैरायटीज थी, जैसे अब चिकन की बिरयानी जो है वो अलग थी, बाकी छोलों वाली अलग थी, तो दोनों में माशाल्लाह टेस्ट ज़बरदस्त था, तो ये चीज़ थी। और अब हम जो है वो चाय केटली पर चाय भी एंजॉय कर रहे हैं और चाय भी माशाल्लाह ज़बरदस्त है चाय केटली की। सो डियर व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि चाय केटली पर बिलाल और मैंने तो चाय पी है, लेकिन जो है फराज साहब कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। फराज साहब, आपका तो गला ख़राब है, तो आप कोल्ड ड्रिंक क्यों पी रहे हैं? बस सर, कोल्ड ड्रिंक से दिल है तो बस कोल्ड ड्रिंक इसी वजह से पी रहे। आपका कोल्ड ड्रिंक के साथ दिल नहीं, आपका स्टिंग के साथ दिल है ना। तो आप बताएं, आपको जो है नासिर बिरयानी एंड पकवान सेंटर के खाने जो है वो कैसे लगे? द टेस्ट वॉज वेरी डिलीशियस, बहुत मज़ा आया और खाना बहुत बहुत मज़े का था। सबसे ज़्यादा मुझे जो पसंद आया वो मलाई बोटी थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और माशाल्लाह आप तो कोल्ड ड्रिंक और आप चाय इन्जॉय कर रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है काफ़ी, माशाल्लाह। थैंक यू। एंड लास्ट, डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल शोएब अहमद आयो for more informative videos related to the electrical engineering, food and the entertainment content. Thank you very much.